Hello students, I am Godamba Soni from St. Norbert Senior Secondary School, Dambur. Today I am teaching class 12 bio. Today I am starting common disease in human beings. Today my topic is pneumonia. Normally pneumonia, आपने generally भी सुना होगा pneumonia जो है normal एक बीमारी है, हम सुनते रहते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में या घर में किसी को भी हो गई कि फेफड़ों में पानी भर गया, तो ये एक bacterial disease है। और ये किस bacteria से होती है, तो ये दो bacteria से जो आपके NCERT book में दिया हुआ है, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae, इस bacteria के through जो है pneumonia disease जो है वो फैलता है। ये bacterial disease, और bacteria क्या है, एक प्रकार से pathogens है। pathogens means patho means disease, और gen means generative means generate करने वाला, जो disease को फैलाने वाला है, जिसको हम बोलते हैं pathogens। अब लंग्स की ये बीमारी है, तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, सीरियस डिजीज ऑफ द लंग्स। लंग्स के ढंग से काम ना करने के कारण जो है ये एक प्रकार से बहुत खतरनाक बीमारी है। फ्लूइड कलेक्ट इन एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स। अच्छा, ये फ्लूइड कौन सा भर जाता है लंग्स में, तो ये हमारा लंग्स है। एक जनरल आइडिया है, आप इसको बिल्कुल उससे नहीं लीजिएगा कि ये बुक में नहीं दिया है या हमें कहीं नहीं मिल रहा, हम आपको सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा ट्रेकिया, ये ब्रोंकियोल्स है जिसमें से एल्वियोलाई जुड़ा हुआ है, ये ब्लड वेसल्स है, और इसी अंदर एल्वियोलाई के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है जिससे कान हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। एंड विद द रिजल्ट लंग्स डू नॉट गेट सफिशियंट एयर टू सपोर्ट। इसलिए जब उसमें एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो ऑक्सीजन जो है इनटेक नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, तो ज्यादातर ये फैलता है स्पुटम या इन्फेक्शन से। स्पुटम क्या है, मीन्स थूकना। जैसे कोई पेशेंट सफर कर रहा है निमोनिया से, उसने कहीं भी थूक दिया, तो उसके थूकने के कारण वो जो भी बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। इन्फेक्शन, जैसे किसी ने खांसा। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्यों मना किया जाता है कि कैसे जो है ये फैलता है। तो किसी ने खांसा, हाथ है, खांस दिया, हाथ को मुंह में लगा दिया और उसी चीज़ से मान लो ग्लास छू दिया या उसी चीज़ चौक छू दिया या टेबल या कुछ भी छू दिया, और आप डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में इसी प्रकार से वो जो है फैलता है। हेल्दी पर्सन उसी ग्लास को छूता है, वो उसके हाथ में अटैच हो गया, चिपक गया, स्टिक हो गया, और आपने उसको मुंह में दे दिया, या बर्तन हो, डोर नो हो, या किसी भी प्रकार से। तो इस तरीके से स्पुटम और इन्फेक्शन से फैलता है। निमोनो कोकी या इनहेल्ड, हो सकता है किसी ने आपके बगल में खांस दिया बिना मुंह में हाथ लगाए, और वो आपने बगल में बैठे हो और आपने उसको इनहेल कर लिया, तो अंदर जो है वो अंदर ट्रैकिया के अंदर पहुंचा निमोनो कोकी, और वो अंदर इनहेल, इनहेल मीन्स ऑक्सीजन का, जब आप सांस लेते हो तो अंदर पहुंच गया। फिर गेट लॉक्ड इन द ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकियोल्स को धीरे धीरे लॉक्ड कर देगा। कैसे लॉक करेगा, कैसे ब्लॉक करेगा उसको, तो जैसे ही ट्रैकिया ब्रोंकियोल्स के अंदर गया तो जो एल्वियोलाई होगी उनकी वॉल जो है एक प्रकार का प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करेगी, फ्लूइड जो बहने वाला एक प्रकार का लिक्विड। अब पैथोजेंस जो होंगे, आप कितनी भी डिजीज में जब हम पढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि बॉडी के अंदर जैसे ही पैथोजेंस एंटर करते हैं हमारी सेल जो है वो तुरंत जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है और म्यूकस सीक्रेट करने लगती है। तो यही म्यूकस, म्यूकस आपको मालूम है, हमने बताया था जो कफ वगैरह जो नोज से आता है, यही म्यूकस जो है वो अंदर जो है फिल होने लगता है एल्वियोलाई के अंदर। तो जो सेल्स है उनमें अगर म्यूकस भरने लगेगा तो फिर क्या होगा, तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी कि अब वहाँ पर तो जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन जो है अंदर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो पूरी सेल में म्यूकस भर गया, तो ये जो ट्रांसमिशन है वो बंद हो जाएगा, तो पूरी जो एल्वियोलाई है एक प्रकार से फ्लूइड से भर जाएगी और एक्सचेंजिंग बंद होगी। फिर क्या होगा, ब्रीथलेस हो जाओगे आप, धीरे धीरे एल्वियोलर गॉट इन्फ्लेम, पूरा जब एक्सरे रिपोर्ट आती है तो पूरा लंग्स जो है वो ऐसे लगता है धुआं ही धुआं है, तो पूरा धुआं जैसे जिसको वर्ड नाम लिया है एनसीईआरटी बुक में इन्फ्लेम, पूरे में धुआं फैल जाता है। एंड सीक्रेट अ प्रोटीन रिच फ्लूइड, एल्वियोलर जो वॉल होगी वो म्यूकस जैसा जो है सीक्रेट करने लगेगी जिससे क्लॉग पूरा भर जाएगा। इट एक्ट एज कल्चर मीडियम, और एक प्रकार से कल्चर मीडियम मीन्स जहाँ पर बैक्टीरिया बहुत मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक कल्चर मीडियम का काम करता है जिससे बैक्टीरिया बहुत सारे उसमें भर जाते हैं डबल जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होकर रिप्रोडक्ट होकर। एंड फॉर द कल्चर लॉक द ब्रोंकियो, जब बहुत बैक्टीरिया हो जाएंगे पूरा एल्वियोलाई उसी से भर जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। देन सिम्टम्स, सबसे पहले चिल,
बहुत तेज ठंड लगेगी आपको और हाई फीवर होगा। आपको बताया है नॉर्मली हर डिजीज में फीवर रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी एक प्रकार से म्यूटी शो करती है। हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से बुखार जो है वो कम हो जाए या बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, वो अलग बात है, वो नहीं मरते हैं। पेन वाइल्ड ब्रीथिंग, जब आप सांस लोगे तो आपको दिक्कत होगी। सांस लेने में क्यों दिक्कत होगी? बस हमने बताया कि एल्वियोलर जहाँ पर एक्सचेंजिंग होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लॉक हो जाएगा, तो वीकनेस में दिक्कत होगी। कफ म्यूकस भरा हुआ है, जब आप खांसोगे तो कफ बाहर आएगा। हेडेक, सिर दर्द होगा। इन सीवियर केसेस कलर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि आपके फिंगर ज़्यादा ग्रे दिया हुआ है। हम नॉर्मल इसको येलो या फिर व्हाइट ले लेते हैं, तो ये ग्रे टू ब्लू ब्लू कलर का होने लगेगा। क्यों होगा ब्लू कलर का? हम ये ब्लड वेसल्स देख रहे हैं ब्लू कलर की, क्यों है? क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जाएगी तो ब्लड वेसल्स जो है वो धीरे धीरे जो है वो होने लगेंगे, ब्लू कलर में चेंज होने लगेंगे। तो ये रहा हमारा निमोनिया का सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप अपने आप को ध्यान में रखें, और जिस तरह कोरोना वायरस के लिए प्रिवेंटिव मेजर लिए जा रहे हैं कि ढक कर रखें कोई चीज़ छूने से पहले, उनको थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज निमोनिया। थैंक यू।